हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार सभी को। तो देखिएगा, डी ट्रिपल एस बी में टीजीटी हिंदी की वैकेंसी आ चुकी हैं। तो इन वैकेंसीज के लिए आप कितने हैं तैयार? तो जी तैयार हैं या नहीं, क्योंकि अगर आपको पता नहीं हो तो 8 फरवरी से डी ट्रिपल एस बी में टीजीटी हिंदी के फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। और जी इनकी जो लास्ट डेट है वो है 8 मार्च। तो जुट जाइएगा, क्योंकि ये जॉब हमें जीतनी है, हासिल करनी है। तो प्यारे बच्चों, डी ट्रिपल एस बी हिंदी की वैकेंसी जिसका आप इंतजार कर रहे थे आ चुकी हैं। तो वैकेंसी आ गई हैं, फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे, एग्जाम भी होगा। लेकिन क्या उस एग्जाम की हमने प्रॉपर प्लान बनाई है कि वो एग्जाम कैसा होगा, अर्थात एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? तो भाई, जो बच्चा टीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहा है डी ट्रिपल एस बी में, तो एक बार उसके सिलेबस पर चर्चा करते हैं कि कैसा होगा डी ट्रिपल एस बी टीजीटी हिंदी का सिलेबस, अर्थात कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो भी एक बार इस पर चर्चा करते हैं, आगे बढ़ेंगे, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भी 2018 के बाद डी ट्रिपल एस बी ने अपना एग्जाम पैटर्न बदल दिया, क्योंकि पहले जो एग्जाम होता था ऑफलाइन मोड में होता था, लेकिन अब एग्जाम ऑनलाइन में है, ऑनलाइन में भी आगे रहेगा। 18 में हुआ, 21 में हुआ, और जी अब बात करते हैं हम 2024 में। तो भी 2024 में क्या रहेगा टीजीटी हिंदी का सिलेबस डी ट्रिपल एस बी के अंदर आपके सामने। भी सबसे पहले हिंदी भाषा और उसका विकास, भाई हिंदी भाषा और उसका विकास कि अगर हम बात करते हैं, तो भी ये यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन भी, कई बार 2 से 3 क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। तो भी हिंदी भाषा और इसका विकास, अर्थात पूरा का पूरा आपका इसमें भाषा विज्ञान आ जाएगा, भाषा विज्ञान के साथ साथ आ जाएगा आपका व्याकरण का जो खंड है, वर्ण से लेके भाषा है, शब्द है, वाक्य रचना है, क्रिया है, सारे के सारे जो टॉपिक हैं आपके, मुहावरे वगैरह सारे आ जाएंगे इसमें। उसमें हिंदी भाषा की विभिन्न बोलियाँ भी आ जाएंगी, देवनागरी लिपि की विशेषताएं, देवनागरी लिपि के दोष गुण, सारी की सारी जो है वो इससे, भाई अगर कुल मिला के भाषा विज्ञान की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है, अगर ओवरऑल व्याकरण की बात करें तो भी 10 क्वेश्चन व्याकरण से भी पूछता है। तो कुल मिला के ये टॉपिक जो रहेगा आपका भी 12 से 13 नंबर के क्वेश्चन आपके 100 में से भाषा का विकास और भाषा से संबंधित पूछेगा। उसके बाद आते हैं भाई हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, हिंदी साहित्य का इतिहास जैसा कि आप जानते हैं कालक्रम में बटा हुआ है, लेकिन प्यारे बच्चों कालक्रम से पहले हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की जो परंपरा थी कि किसने हिंदी साहित्य का इतिहास किस तरह से लिखा, किस पद्धति से लिखा, कि भी वर्ण वर्णात्मक पद्धति का वर्णन किया है या कालक्रम अनुसार लिखा है या प्रवृत्ति को तवज्जो दी है। तो भी हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन में हिंदी साहित्य लेखन परंपरा, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है उसका क्या नाम है, राम कुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का इतिहास है उसका क्या नाम है, हजारी प्रसाद जी का क्या है, गणपति चंद्र गुप्त का क्या है। तो इससे संबंधित भाई आपके पेपर में पूछा जाता है 1 से 2 क्वेश्चन। इसके बाद बात आती है भाई आदिकाल की, अगर हम आदिकाल की बात करते हैं तो आदिकाल के टीजीटी में भाई 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें चाहे वो क्वेश्चन पूछ सकता है आदिकाल के नामकरण से, चाहे क्वेश्चन पूछ सकता है आदिकाल की समय सीमा से, चाहे पूछ सकता है हिंदी के प्रथम कवि से, या फिर भाई सिद्ध साहित्य से, नाथ साहित्य से, जैन साहित्य से, रासो काव्य से, या फिर विद्यापति, अमीर खुसरो, इनमें से वो कुल मिला के 3 से 4 प्रश्न आदिकाल के टीजीटी हिंदी में पूछे जाएंगे। 2018 में भी ऐसा हुआ, 21 में भी ऐसा हुआ, और ऐसा ही होगा 2024 में भाई। अब भक्ति काल की बात करते हो तो भी भक्ति काल से भी 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लेता है, चाहे उसमें भक्ति काल की पूर्व पीठी का हो, चाहे भी भक्ति शब्द के बारे में हो, या भक्ति काल की जो विभाजन कर रखा है कि भी निर्गुण काव्य धारा है और सगुण काव्य धारा है, निर्गुण सगुण काव्य में चाहे ज्ञान मार्गी हो चाहे प्रेम मार्गी हो, तो एक प्रेम मार्गी से एक ज्ञान मार्गी से, इसी तरह से सगुण में एक कृष्ण काव्य से एक राम काव्य से। तो कुल मिला के भक्ति काल से 3 से 4 क्वेश्चन पूछता है भी टीजीटी में। अब बात करते हैं रीति काल में भी, रीति काल
के नामकरण से भी पूछ लेगा भी रीतिकाल का किस विद्वान ने क्या नामकरण दिया है, यहाँ से भी कई बार देखने को मिलता है, कई बार देखने को मिलता है रीतिकाल का प्रवर्तक आप किसे मानते हैं, भी चिंतामणि को या केशव को, कई बार जैसे भी रीतिकाल के जो कवि हैं उनको तीन वर्गों में बांटा गया, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तो भी एक जैसे रीतिबद्ध की हम बात करते हैं तो केशवदास से पूछता है, भूषण से पूछता है, देव से पूछता है, पद्माकर से डेफिनेट पूछे जाते हैं, तो ये कवि हैं। रीति सिद्ध की बात करें तो भी बिहारी और सेनापति से प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर रीति मुक्त की बात करते हैं तो घनानंद से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भी अब बात आती है, ये तो है भाई रीतिकाल तक, इसके बाद जो क्वेश्चन वो पूछता है पेपर में वो है भाई आपका आधुनिक काल। आधुनिक काल के जैसे अलग अलग खंड हैं, आधुनिक काल में भी शुरुआत होती है काव्य की, अगर हम बात करते हैं भारतेंदु युग से, एक से दो क्वेश्चन पूछ भी लेता है, कई बार नहीं भी पूछता। उसके बाद द्विवेदी युग से भी, भारतेंदु युग की पत्रिकाओं से डेफिनेट पूछेगा, या द्विवेदी युग की जैसे दो पत्रिकाएं शुरुआत हुई थी द्विवेदी युग में जो प्रसिद्ध थी, वैसे तो बहुत सारी थी, एक तो सरस्वती पत्रिका थी जिसका प्रकाशन भाई 1900 में शुरू हुआ था और 1903 में महावीर प्रसाद जी ने अपने हाथों में लिया। उसके बाद एक जो द्विवेदी युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी इंदु पत्रिका थी, जो बेटा काशी से निकलती थी, जयशंकर प्रसाद जी जिसके संपादक थे वो रहे हैं, तो भी वहाँ से। उसके बाद भी छायावाद के जो चार स्तंभ हैं, यहाँ से तीन से चार क्वेश्चन चाहे वो पूछे भाई आपके छायावाद में प्रसाद जी से, निराला जी से, या पूछे पंत से या महादेव वर्मा से, जैसे भी ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला, तो भी पंत को मिला था, तो ऐसे पूछ सकता है, या यूं कह देंगे जैसे भी जयशंकर प्रसाद से पूछ लिया कि भी आधुनिक काल का प्रसिद्ध महाकाव्य कौन सा है। आधुनिक काल का जैसे भी अगर पहला महाकाव्य हम मानते आधुनिक काल का, तो भी या खड़ी बोली का, तो प्रिय प्रवास है। उसके बाद भी प्रसिद्ध अगर महाकाव्य की बात आती है तो भी वो कामायनी है जो जयशंकर प्रसाद का है, तो इस तरह के क्वेश्चन, या फिर निराला का जो शोक संगीत है वो कौन सी रचना है, निराला से या तो भी शोक संगीत सरोज स्मृति से पूछेगा, या राम की शक्ति की पूजा से भी ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, या भी उसके बाद बात करते हैं कि भी माखनलाल चतुर्वेदी से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, जो उत्तर छायावाद में भी जो आपकी राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी हैं, बालकृष्ण नवीन है, तो भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। उसके बाद भाई जो क्वेश्चन पूछता है एक हल्लावादी कवि भी हैं उत्तर छायावाद में हरिवंश राय बच्चन, कई बार उनकी कविताओं से भी पूछ लेता है उनके बारे में भी। इसके बाद भी प्रगतिवाद में जो ज़्यादा फोकस रहता है वो रहता है प्यारे बच्चों आपका नागार्जुन पे, नागार्जुन के बाद केदारनाथ अग्रवाल है, इन दोनों से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भाई अब अगर हम बात करते हैं इसके बाद प्रयोगवाद है, तो प्रयोगवाद से भी पूछने को देखने को मिलता है पेपर में, और प्रयोगवाद के बाद भाई प्रयोगवाद में जो चार के चार चार जो तार सप्तक है वहाँ से पूछ लेता है। उसके बाद अगली हम बात करते हैं तो प्रयोगवाद के बाद नई कविताई डेफिनेट पूछता है। उसके बाद नकेनवाद था भी बिल्कुल देखने को मिलेगा, नकेनवाद डेफिनेट, ये छोटी छोटी फिर जितनी भी समकालीन कविताएँ हैं भाई उन सभी से, जैसे भी कैप्सुलवाद है सभी से एक दो क्वेश्चन, मतलब अर्थात कुल मिला के आधुनिक काल से भी, आधुनिक काल से अगर हम काव्य की बात करते हैं तो आधुनिक काल काव्य से भी कम से कम 10 प्रश्न यहाँ से पूछेगा, कम से कम बताएं भाई ये डेफिनेट, क्योंकि सबसे ज़्यादा फोकस इसी पे रहता है। उसके बाद भाई आगे अगर हम सिलेबस पे बढ़ते हैं तो TGT हिंदी के अगर हम DSSB के सिलेबस की बात करते हैं तो भी गद्य साहित्य की जो विधाएं हैं अर्थात चार प्रमुख विधाएं हैं भाई, उपन्यास है, कहानी है, नाटक है और निबंध है, चार तो ये प्रमुख हैं भाई, तो इनसे एक एक दो दो प्रश्न देखने को मिलता है। और ज़्यादातर कहानियों की अगर हम बात करते हैं तो जो नई कहानियाँ हैं या कहानीकार हैं, जो महिलाएं हैं कहानीकार हैं, चाहे कृष्णा शोभती है, उषा प्रेमवदा है, तो मनु भंडारी है, मृदुला गर्ग है, तो इनकी रचनाओं को ज़्यादा स्थान दिया गया है भाई और ज़्यादा पूछी जाती हैं। उपन्यास की अगर हम बात करते हैं तो उपन्यास भाई उपन्यास प्रेमचंद जी के पूछे जाते हैं जी, उपन्यास प्रेमचंद जी के, अगय के, या फिर अमृतलाल नागर के, मतलब कुल मिला के उपन्यास तो शुरू के बीच के सारे पूछे जाते हैं कि भी शुरुआत और मध्यम और
अभी तक जो चल रहे हैं, लेकिन कहानियां ज़्यादातर नहीं पूछी जाती हैं। और भी निबंध में भी ऐसा ही है, नए निबंधकार भी पूछे जाते हैं। और जहाँ से निबंध की शुरुआत हुई, निबंध की अगर हम बात करते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हम केंद्र में लिख के इसका विभाजन करते हैं, तो शुक्ल का भी पूछा जाएगा। उसके बाद भी हजारी प्रसाद के या नामवर सिंह के हैं या विवेक राय जी के हैं, कोई भी निबंधकार जो है प्रसिद्ध है तो उसके निबंध अक्सर देखने को मिलते हैं। हिंदी आलोचना से एक दो क्वेश्चन भी टीजीटी में मिलेगा, चाहे वो आलोचना से वैसे पूछ ले भी, आलोचना कितने प्रकार की होती है, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो आलोचना पद्धति थी वो कैसी थी, या उसके बाद पूछ ले कि भी जैसे कौन सा आलोचक छायावाद का समर्थक बन के आया, तो भी जैसे नंद दुलारे वाजपेयी बन के आए थे, तो इस तरह से वो क्वेश्चन पूछ लेता है आलोचना से भी। भाई ज़्यादातर जो आधुनिक काल है उस पर ज़्यादा फोकस रहेगा, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला जो है हिंदी की अन्य गद्य विधाएँ हैं ये, जैसे भी रेखा चित्र है, संस्मरण है, यात्रा साहित्य या यात्रा वृत्तांत है, आत्मकथा है, जीवनी या डायरी है, एक दो क्वेश्चन इनसे बन जाता है। हाँ भाई, अब बढ़ते हैं आगे जहाँ से क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलता है। तो भी जी भारतीय काव्य शास्त्र के क्वेश्चन एक दो चाहे वो रस से पूछे, चाहे अलंकार से पूछे, चाहे ध्वनि से, ज़्यादा डेप्थ टीजीटी हिंदी में वो नहीं जाता। हालांकि काव्य शास्त्र को ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल अनदेखा कर देता है, क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो भी नेगेटिव मार्किंग है, कोई भी टॉपिक हमें छोड़ना नहीं है, चाहे काव्य प्रयोजन से पूछे, चाहे काव्य हेतु से पूछे। तो भी इसके बाद जो संप्रदाय हैं उनसे भी देखने को मिलता है, चाहे वो अलंकार से, रीति से, ध्वनि से, एक दो क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं है। पीजीटी में काव्य शास्त्र का ज़्यादा रोल है। अब रस निष्पत्ति के जो चार आचार्य हैं उनके बारे में पूछ सकता है, शब्द शक्ति का एक दो क्वेश्चन आ जाता है। हाँ भाई, आगे बढ़ते हैं, पाश्चात्य काव्य शास्त्र टीजीटी में कोई बिड़ला ही कोई क्वेश्चन पूछ लेता, जैसे भी अनुकरण के सिद्धांत जो अनुकरण का, उसके जन्मदाता कौन थे, या वर्ड्सवर्थ की भाषा पूछ ली, या वर्ड्सवर्थ की काव्य शैली पूछ ली, कोलरिज की पूछ ली, इस तरह से। ज़्यादा मतलब डेप्थ टीजीटी में नहीं जाता, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा हमें इसको देखना है। हिंदी शिक्षण भी ये जरूर 2018 में भी जोड़ा गया, 21 में पूछा गया, भी हिंदी शिक्षण के 10 क्वेश्चन आपके टीजीटी हिंदी में पूछे जाएंगे। 18 में भी पूछे गए हैं, 21 में पूछे गए और 24 में भी पूछे जाएंगे। उसके बाद भाई बिल्कुल इस पर खास ध्यान देना है, राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति 2020 है, यहाँ से भी पेपर में डेफिनेट 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्योंकि आज जो ये कह रहे हैं, जो इन्होंने स्ट्रक्चर तैयार किया कि भी आज आने वाला जो शिक्षक वो कैसा हो, पूरे के पूरे उसके बारे में बताया गया है। तो भी इसमें आपके NEP को शामिल किया गया है, तो भाई आप तैयारी में जुट जाइएगा, क्योंकि आपको जॉब चाहिए, और वो भी सरकारी जॉब, दिल्ली की दिल्ली में जॉब, सैलरी भी अच्छी है, सम्मान भी अच्छा है बिल्कुल, और शिक्षक से बढ़िया कोई जॉब नहीं है, सम्मान की जॉब है। हम देश का भविष्य जो निर्माण होता है उसमें हमारा अहम रोल होता है, क्योंकि हम बच्चों को पढ़ाते हैं, वो बच्चे आगे जाके अलग अलग ऑफिसर अधिकारी जो भी बनते हैं। तो भी अगर आपको लगता है कि जी हमें तैयारी करनी है, तो भी आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, प्ले स्टोर पर जाके TNI के नाम से आपको ऐप मिल जाएगी। एक बेनिफिट ये है कि भी हमारे जो बैचेज हैं TGT हिंदी की, अगर मैं बात करूं तो TGT हिंदी की अगर हम बात करते हैं, तो TGT हिंदी के जो बैच हैं भाई वो आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन बिल्कुल भाई, ऑनलाइन मोड में भी है और ऑफलाइन मोड में भी है। TGT हिंदी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में है भाई, बिल्कुल ले सकते हैं आप। बेनिफिट क्या है, बेनिफिट एक तो ये है भाई, प्ले स्टोर पर जाके TNI नाम से हमारे ऐप डाउनलोड कर सकते हो। पिछले 18 साल से TGT PGT हिंदी को पढ़ा रहा हूँ, लास्ट 18 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो इसका आप बेनिफिट उठा सकते हैं। अर्थात बिल्कुल प्रत्येक टॉपिक को अच्छे से कराया जाएगा, टॉपिक वाइज टेस्ट होगा, उसके बाद भाई पूरे सिलेबस का टेस्ट, टेस्ट के बगैर कभी सिलेक्शन नहीं होता। तो भी ऑफलाइन अगर कोई बच्चा आना चाहता है तो दिल्ली के अंदर नजफगढ़ में हमारी ब्रांच है, वहाँ आप ऑफलाइन ले सकते हो। TGT का ऑफलाइन पूरा भी मिल जाएगा, जर्नल पेपर भी और सब्जेक्ट भी। ऑनलाइन अगर आप लेना चाहते हो तो वो भी अवेलेबल है। ऑनलाइन TGT हिंदी का जो बैच है वो हम शुरू करें भी 1 फरवरी से। तो प्यारे बच्चों जुट जाइएगा, ऑल द बेस्ट, लगे रहिएगा, भगवान आपको 2024 में ये TGT हिंदी के शिक्षक के रूप में आपको एक नियुक्ति पत्र दे दे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, मुस्कुराते रहिए।